बच्चों बहुत स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री क्लास में। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सुनील यादव। बच्चों आज एक नए टॉपिक के साथ पुनः आपके साथ हूं। आज का टॉपिक मैंने बच्चों एस ब्लॉक के तत्व से लिया हुआ है, जिसमें सबसे पहला प्रश्न मैंने आपके सामने रखा बच्चों कि कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम की बुंसल ज्वाला में जो रंग हमको प्राप्त होंगे उन रंगों के हमको नाम बताने हैं। यानी बच्चों अगर आप कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम को अगर बुंसल ज्वाला में जलाएंगे, नीली फ्लेम के साथ जलाएंगे, तो ये किस तरह के रंग उत्पन्न करेंगे, उन रंगों के क्रम की हमको जानकारी देने है, उन रंगों के बारे में हमको बताना है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि जब आप कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम को बुंसल ज्वाला या नीले रंग के साथ जब आप जलाते हैं, तो बच्चों जो कैल्शियम है ये ईट जैसा लाल रंग उत्पन्न करता है, स्ट्रॉन्शियम जो है वो किरमिची लाल रंग उत्पन्न करता बच्चों, और इसके अलावा जो बेरियम है वो सेल जैसा हरा रंग उत्पन्न करता है बच्चों। ठीक है, तो बहुत अच्छी तरह से समझिए, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम को जब नीली फ्लेम में बुंसल ज्वाला के साथ जब आप जलाओगे तो ये इस तरह के कलर उत्पन्न करेंगे, जिनमें कैल्शियम ने ईट जैसा लाल रंग दिखाता है, स्ट्रॉन्शियम किरमिची लाल, जबकि बच्चों जो बेरियम है वो सेल जैसा हरा रंग दिखाता है। इसके अलावा जो अगला प्रश्न मैंने आपके सामने ले रखा बच्चों, प्रश्न क्रमांक 2, मैग्नीशियम की परमाणु त्रिज्या सोडियम से कम होती है क्यों? बच्चों अपन को बताना है कि मैग्नीशियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 12 है, जबकि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है। तो होना यह चाहिए था कि मैग्नीशियम की परमाणु त्रिज्या बड़ी होनी चाहिए थी या सोडियम की छोटी, लेकिन यहां पर बिल्कुल उल्टा हो रहा है। मैग्नीशियम की जो परमाणु त्रिज्या वो सोडियम से छोटी होती है या कम होती है क्यों? तो यही महत्वपूर्ण है इस प्रश्न के लिए। तो बच्चों जल्दी से देखेंगे कि मैग्नीशियम को हम देखें तो इसका परमाणु क्रमांक 12 है, और यही वजह कि इसका जो नाभिकीय आवेश है ना, उसमें प्रोटॉन की संख्या भी 12 होगी, मतलब उसका नाभिकीय आवेश जो होगा वो सोडियम के 11 प्रोटॉनों की तुलना में कैसा होगा बच्चों, अधिक होगा। यानी मैग्नीशियम पर जो नाभिकीय आवेश है वो सोडियम की तुलना में ज्यादा है, उच्च है। तो बच्चों ये एक महत्वपूर्ण कारण भी है कि उच्च नाभिकीय आवेश के कारण अधिक आकर्षण बल से इलेक्ट्रॉनों को वो नाभिक की ओर क्या करता है, खींचे रहता है। यानी जो बाहकोश के जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक पर ज्यादा से ज्यादा नाभिक की ओर खींचे जाएंगे, जिससे परमाणु में संकुचन उत्पन्न हो जाएगा, यानी परमाणु जो होगा वो छोटा होगा। और यही एक महत्वपूर्ण कारण भी है बच्चों कि मैग्नीशियम की जो परमाणु त्रिज्या है ना वो सोडियम से कैसी होती है, कम या छोटी होती है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको अच्छे से? ओके बच्चों, इसके अलावा मैंने जो अगला प्रश्न ले रखा, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3, सोडा लाइम विधि से सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाते हैं, हमको केवल रासायनिक समीकरण देखना है। तो बच्चों सबसे पहले सोडा लाइम विधि में आप सोडियम कार्बोनेट को, सोडियम कार्बोनेट के 10-20% विलयन को क्या कीजिए, बुझे हुए चूने की उचित मात्रा के साथ मिला लीजिए। यानी हमको क्या करना बच्चों, सोडियम कार्बोनेट का 20-30% सांद्रता का विलयन लेना है और उसको बुझे हुए चूने के साथ मिक्स कर लेना है। ठीक है, तदुपरांत क्या करना बच्चों, लोहे की टंकियों में अब इसको भर देना है। ठीक, और भाप द्वारा लगभग भरकर भाप द्वारा क्या करना बच्चों, 80-85 डिग्री सेल्सियस ताप पर फिर उस मिश्रण को गर्म करना है। मिश्रण से जो भी अब आपको पुनः विलयन प्राप्त होगा उस विलयन को अब आप छान लीजिए। ठीक, छनित्र का लोहे की कड़ाहों में क्या करा देंगे, अब वाष्पन करा देंगे। जो छनित्र अब आप प्राप्त करेंगे उसको लोहे की बड़ी बड़ी कड़ाहों में डालेंगे और फिर उसका वाष्पन कराएंगे। ठीक है बच्चों, अब उसके वाष्पन, ठीक है, उसके वाष्पन से आप देखेंगे कि जितना भी जो चूना होगा वो उसकी तली में वापस बैठ जाएगा बच्चों, जबकि शेष जो लिक्विड होगा वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन होगा, जिसको छानकर हम अलग कर लेंगे। तो इस तरह से बच्चों सोडा लाइम विधि का प्रयोग करके हम प्रयोगशाला में सोडियम हाइड्रोक्साइड या NaOH को बना सकते हैं। बच्चों इसके अलावा मैंने एक अगला प्रश्न भी आपके सामने ले रखा है, प्रश्न क्रमांक 4, क्षार धातु किसे कहते हैं, नाम एवं संकेत भी बताने। तो बच्चों क्षार धातु में मैं आपको बता दूं कि आवर्त सारणी में बच्चों जो प्रथम वर्ग के जो तत्व है ना, तो प्रथम वर्ग के तत्वों को हमने क्या कहा बच्चों, क्षार धातु। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से याद रखिए, इनको हमने कहा क्षार धातु। यानी आवर्त सारणी में बच्चों जो प्रथम वर्ग के तत्व है ना, फर्स्ट ए वर्ग के तत्व, उनको आप क्या कहते हो, क्षार धातु कहते हो। तो बच्चों फर्स्ट वर्ग में कौन कौन सी धातुएं शामिल हैं या कौन कौन से तत्व शामिल हैं? तो बच्चों सबसे पहले लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम।
बच्चों यहां पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये 7 तत्व शामिल हैं, जिसमें बच्चों लिथियम का जो संकेत है वो Li, सोडियम का संकेत Na, पोटेशियम का संकेत K, रुबिडियम का संकेत Rb, सीजियम का संकेत Cs और फ्रांसियम का संकेत Fr होता है। तो बच्चों आज मैंने आपको इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ अवगत किया, ठीक है बच्चों। कुछ इसी तरह के और भी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर, ठीक है, हम आपसे पुनः मुलाकात करेंगे। बच्चों आज के जो प्रश्न है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है, ठीक है। तो आप लोग बच्चों इन प्रश्नों को कई बार बहुत अच्छी तरह से इन वीडियोस को देखिए और इन सभी प्रश्नों को आप सॉल्व कीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है। ऐसे ही कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर मैं पुनः आपसे मिलूंगा, तब तक अपना ख्याल रखिए।